तो सबसे पहले आपको चाहिए बेकिंग सोडा, उसके बाद आप यूज करेंगे वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए खाली बर्नी, आप चाहें तो खाली कोई भी ग्लास, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, उसे कट करके यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब हमने सबसे पहले ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे कुछ स्पून बेकिंग सोडा के ऐड करनी है। उसको ऐसे कुछ हम शेक कर लेंगे जिससे वो नीचे सेटल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। केयरफुली आप उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दें। अब ये है थोड़ा सा विनेगर और फूड कलर, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। आप कोई भी कलर का फूड कलर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो अपने कोई भी फेवरेट कलर का यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने फोन की फ्लैश लाइट यूज कर रही हूँ, यहाँ पे लाइटनिंग का इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। मैंने दो फोन्स यूज किए हैं कि मैं अपना लाइटनिंग का इफेक्ट प्रॉपर दे पाऊँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कोई भी लाइट्स यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं वो विनेगर और फूड कलर का मिक्सचर डाल दूंगी। अब आपको दिखेंगे यहाँ पे बबल्स उठते हुए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स उठ रहे हैं और वो एक लावा जैसा लगेंगे। अभी थोड़ी देर में रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और वो एक लावा जैसे आपको थोड़ी देर में दिखने लगेंगे। अब आप देखिए रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो गया है, बट वो इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने ऑयल किया है यूज, वो बहुत ही डार्क इन कलर है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें लाइट कलर ऑयल यूज करना चाहिए। तो हमने फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये दिखने में ये भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। अब हमने हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा विजिबल हुए उसके लिए हमने यूज किया ऑलिव ऑयल। अब मैंने ग्लास लिया है और वही प्रोसेस हम वापस से रिपीट करेंगे। मैंने वही बेकिंग सोडा दोबारा ऐड किया है और उसमें फिर से ऐड करूंगी अब मैं ऑलिव ऑयल। उसके बाद इस बार मैंने रेड कलर यूज किया है लावा का और अच्छा अमेजिंग इफेक्ट देने के लिए। तो आप देख सकते हैं अब आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ विजिबल होगा। तो आपको भी ट्राई करना है, ना ही नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से, अगर आप ट्राई करेंगे ऑलिव ऑयल से तो वो चीज और ज्यादा अमेजिंग दिखेगी। और वही लाइटनिंग इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट यूज करी है अपने फोन की। अब देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ये लावा जैसा दिख रहा है, कितना ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है ये देखने में। कैसा लगा आपको हमारा होममेड लावा लैंप? तो इसकी प्रोसेस तो आपने जान ली कि कैसे हम घर में लावा लैंप बना सकते हैं, पर क्या आपने सोचा कि इसके पीछे रीजंस क्या है, कैसे ये लावा लैंप क्रिएट हो गया, कैसे ये बन गया?
तो इसके पीछे भी छुपी है साइंस। तो वो साइंस क्या कहती है कि जैसे ही हम विनेगर डालते हैं तो वो ऑयल के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है, बॉटम ऑफ द कंटेनर में। और बॉटम में क्या है, बॉटम में है बेकिंग सोडा। तो जैसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बबल्स क्रिएट होते हैं, और वो बबल्स किसके साथ अटैच हो जाते हैं, कलर्ड विनेगर के साथ, तो वो हमें कलर्ड बबल्स दिखने लगते हैं। तो इसी के कारण हमें ये लावा लैंप रिएक्शन देखने को मिला। तो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस लावा लैंप को, और इसका रीजन भी आपको पता चल गया। अब आप भी अपने घर पे बनाएं लावा लैंप और एंजॉय करें। तो हम फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।